उसको अंदर ले थोड़ा अंदर बैटरी का हो गया हाँ नहीं नहीं ये वापस खाली बैटरी ये वाला नहीं बैठ थोड़ा दिमाग थोड़ा सा संजू एम करते हैं लाइटिंग फिर से यस ये मार्क पे आ रहा है ये हाँ ये लाइटिंग दादा हाँ तो टेक सर टेक टू वेरी फोर टेक होल्डर सर साउंड रोलिंग टेक टू कैमरा रोलिंग एक्शन ऑफवर्ड मूवमेंट जा रहा है क्या बात करूँ करूँ नहीं करूँ उसे करनी तो पड़ेगी प्रभु पानी लेंगे आप अच्छा ठीक तो है ना आप शुरुआत करो फिर मैं बोलता हूँ सर सबसे पहले बताइए कि जो आज शूट चल रहा है वो किस चीज का शूट चल रहा है और बंद कर क्या चल रहा है सबसे पहले आप बताइए कि जो आप शूट चल रहा है यहाँ सब एकत्रित हुए हैं किस वजह से नमस्कार मेरा नाम है रवि भाटिया हमारा जो शूट चल रहा है वो है वेब सीरीज के लिए आने वाली वेब सीरीज है जिसका नाम है द होटल सिटी लैब जिसके डायरेक्टर हैं भरत नंदा जी और प्रोड्यूसर साहब हैं अशोक कुमार जी और हमारा जो प्रोडक्शन हाउस का नाम है वो है सुरक्ष एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड तो हमारा शूटिंग में और हमारे एजेंट साथ में बैठे हैं
नमस्ते, मैं हूँ अंकिता चौहान और हम होटल स्टील लैंड के नाम से वेब सीरीज बना रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है और हमारे डायरेक्टर भरत सुनंदा जी बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ इसे स्क्रीन पर उतारने वाले हैं। तो आप प्लीज़ सभी लोग देखिएगा जरूर। खूबसूरत के साथ साथ काफ़ी थ्रिलिंग और काफ़ी और उसमें ट्विस्ट एंड टर्न काफ़ी हैं जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। मतलब ये कैरेक्टर मेरा थोड़ा कॉलेज का है और मैं काफ़ी टाइम के बाद मैं पर्सनली इस तरह का कैरेक्टर कर रहा हूँ और काफ़ी इंटेंस भी है मामला। बहुत अच्छी कहानी है, कॉमिक भी है, थ्रिल भी है और ड्रामा भी है। आई थिंक अभी रिसेंट टाइम्स की मैंने जिस तरह से कहानी पढ़ने के बाद ही पूरा मेरा वो हो गया कि वाह सुपर, ये फर्स्ट रिएक्शन था। हम इसके आगे भी 2-3 सीजन करने वाले हैं होपफुली और बहुत अच्छा बनने वाला है। सर, आप लोगों के बातों से लगा कि आपने प्रोडक्शन हाउस का नाम लिया जी। सर, कैसे जुड़े आप सब एक दूसरे से, इसके बारे में कुछ बताएंगे जी? हमारे जो डायरेक्टर है, जैसे मेरा बताऊँ तो भरत सुनंदा जी, मैं उनको काफ़ी कुछ 14 साल से जानता हूँ, तो वो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं। मतलब मैं उनका काम भी देखा है एंड वो दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर भी हैं एंड अशोक कुमार जी से हमारी मुलाकात पहली बार हो रही है। तो ये बहुत ही सज्जन इंसान हमें लग रहे हैं सामने से, बहुत अच्छा लगा इनसे। हालांकि मैं इन्हें जानती काफी समय से हूँ पर मैं खुद पहली बार मिल रही हूँ और हमारी सभी की मुलाकात भरत सुनंदा जी की वजह से ही हुई है क्योंकि उन्होंने हमें सभी को एक स्क्रिप्ट के साथ, एक कहानी के साथ ही जोड़ा जिस पर हम सब काम कर रहे हैं। कोविड का समय है और अभी शूट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, फिर भी आप लोग शूट कर रहे हैं। दूसरा, अब इस वेब सीरीज में थोड़ा आपका जो किरदार है, कैरेक्टर, उसमें थोड़ा बताएं। जी। हालांकि कोविड का समय चल रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है हमें कि शूट करने में, बट ठीक है, फिर भी हम आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे जैसे कि जो कि हमारा काम है। और इस कहानी में मैं जो किरदार निभा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत सी एक प्यारी सी एक लड़की है जो जिसकी जिंदगी कैसे बदलती है, कुछ सर्कमस्टांसेस उसकी लाइफ में होते हैं, कैसे सिचुएशंस बदलती है, कैसे, अभी मैं पूरी कहानी तो आपको नहीं बता सकती हूँ बट ऑब्वियस है। पर हाँ सर, आपसे प्रोडक्शन के बारे में बताओ कि आपके प्रोडक्शन के बैनर से क्या क्या बना है और कितना मूवी, कितना वेब सीरीज और अपने बारे में। चलो, मैं शिव कुमार हूँ और साउथ से बिलोंग करता हूँ, हैदराबाद से। मेरी कंपनी का बैनर है मैं सुरक्षा एंटरटेनमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं इस फील्ड में 14 साल से हूँ और साउथ में लिटिल बिट फिल्म्स किया मैंने। लास्ट मूवी वाज सिंगम 3 मैंने किया और उससे पहले सूर्य वर्सेस सूर्य, शौर्य, भद्राद्री, आकाश अनुसरम, कपल ऑफ मूवीज मैंने साउथ में प्रोड्यूस किया है। और उसके साथ में जो है ना, अभी वेब सीरीज में चालू किया, जैसा कोरोना स्टार्ट हो गया, कोरोना के समय पर जो है ना, हर इंसान घर पे रहने के लिए और घर पे भी एंटरटेनमेंट चाहिए, उस वजह से जो है ना, हम लोग वेब सीरीज में जो है ना उतर गए। वेब सीरीज हम लोग अभी कपल ऑफ वेब सीरीज कर चुके डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, ऑलरेडी चल रहा है हमारा सीजन्स। अभी ये वेब सीरीज है ना, मैं भरत सुनंदा जी को लगभग 1-2 साल से मैं जानता हूँ, बिकॉज हम लोग एक मराठी फिल्म बनाने के लिए उनसे जुड़ा था और वो मराठी फिल्म मटेरियल नहीं हो सका। और उसके बाद में जो है ना, ये वेब सीरीज मेरे को सुनाने के बाद बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए इसमें एक अच्छे कंटेंट के साथ में जो है ना, गुड मैसेज इज देयर। और इस वेब सीरीज में जो है ना, जैसा रवि भाटिया जी के रेफरेंस आया, उनको मेन लीड में लेके जो है ना, चलो उनके साथ में उनका भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है मैंने देख चुका हूँ। और उसके साथ में जो है ना, अंकिता जी का पिक्चर में जुड़ने के लिए, साउथ में जुड़ने के लिए जो है ना, वो हमारा बातचीत हो रहा था, चलो साउथ से पहले जो है ना वेब सीरीज में जुड़ जाओ बोल के जो है ना, आप मुझे देखना चाहते थे तो इस वास्ते जो है ना, ये ट्रायल रन के लिए जुड़ा दिए। और इस कहानी के बारे में तो मैं बोलना नहीं चाहता, बिकॉज अब क्या है ना, उनके बारे में इज द प्रूफ डायरेक्टर और अभी रवि जी ने बहुत बताया और रवि जी के भी जो, अंकिता जी के भी जो है ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट बना चुके हैं ये लोग, ऑलरेडी जो है ना प्ले करे ऑडियंस के सामने, प्रूव आर्टिस्ट।
उनके साथ में बहुत बड़े आर्टिस्ट जो है, बड़े मीन्स जो है ना, जो क्रूड आर्टिस्ट लोग भी काम कर रहे हैं इसमें, और सारे टेक्नीशियन जैसे अनिप भाई है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, और जो जैसे डीओपी है, जैसे म्यूजिक है, एव सब ऑल एक्टर्स जो है ना, टेक्नीशियंस क्रू इज द जो है ना, सब अच्छे क्रू से जो है एक फैमिली के दरिया से हम लोग आके चल रहे हैं। आज शुरुआत हो गई, हम शुरुआत से हम जा रहे हैं, और इस कहानी का जो है ना आज के माहौल में क्या चल रहा है। एक नॉर्मल एक विलेज का जो है ना, सिंपल सिटी लड़की जो है ना, अगर अपना जो आज जो जो सोसाइटी में चल रहा है, जो जैसा आईफोन है, जैसा जो है ना जो हाईफाई कल्चर को एडिक्ट होने के बाद, और एडिक्ट होने के बाद कैसा बुरी हालत में फंस जाते, और फंसने के बाद उस हालत से बाहर निकलने के लिए किस किस तरीके से जो है ना स्ट्रगल उठाना पड़ता है, ये वो सारे चीज़ें जो है ना किस तरीके से जो है ना स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, अगर एक जैसा मल्टीपल डिसीज आ रहा है, ऐसा मल्टीपल जो है ना प्रॉब्लम्स पे कैसा गिरते, वो पूरा कहानी हम लोग जो है ना इस वेबसोड इस सीजन में, इस वेब सीरीज में जो है ना, इस इंडिपेंडेंट फिल्म में हम बताना चाह रहे हैं। स्वास्थ्य जो है ना इस तरीके से जो है ना, किस तरीके से जो है ना हम इस सोसाइटी को सर्वाइवल करते ही जो है ना, हम कैसा सोसाइटी को अच्छे मैसेज देना है, इस वेब सीरीज के दरमियान में हम जो है ना एक अच्छा मैसेज के साथ में फुल एंटरटेनमेंट कंटेंट हम लोग जो है ना ऑडियंस के सामने जल्द से जल्द लाएंगे। थैंक यू। कब और कौन से प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा ये दर्शकों को? प्लेटफॉर्म तो बहुत है, लेकिन जो है ना जब हमारा कंटेंट बनने के बाद ही, जैसा तो हमारे को प्री अप्रूवल के लिए लॉट ऑफ कंटेंट का प्लेटफॉर्म इज रेडी टू ऑलरेडी जो है ना, हमारे को प्री अप्रूवल लेटर्स भी दे चुके हैं, बट वी आर नॉट कन्फर्म टू एनीथिंग, बिकॉज क्या है ना हमारा कंटेंट में जब अगर ताकत है तो जब जो है ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमारे पास आएंगे, जब अच्छे प्लेटफॉर्म चुन के जो है ना हम उस प्लेटफॉर्म के दरमियान से जितना पॉसिबिलिटी होता हो सकता है उतना जो है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस कंटेंट जाने के लिए कोशिश पूरी तरीके से करेंगे। सर ओटीटी पे सर एक कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा है और आप सर ऑलरेडी काफ़ी हिट सीरियल्स वगैरह करके आए, सर इसमें आपको कैसा लग रहा है, मतलब किस प्रकार का को लग रहा है सर, अपने आप को सर कितना प्रिपेयर कर रहे हैं वेब सीरीज के लिए? मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ सीरीज के लिए, मेरी एक 8वीं 9वीं वेब सीरीज़ है, और बेसिकली क्या है कि मेरी इससे पिछली जो सीरीज़ आई है जस्ट पहले, उसका नाम है शुक्ला, वो भी अच्छी चल रही है, मतलब ऑलरेडी उसकी 14 मिलियन हो चुके हैं, तो सो ये उसके बाद ये होगी फिर नेक्स्ट। सो मैं इसका जिस सर ने मुझे कॉन्टेंट बताया, जो भी कॉन्टेंट है बेसिकली और सिम्प्लिसिटी, लोग सिंपल चीज़ें बोल के दे वॉन्ट टू शो ऑफ, तो बेसिकली वो काफ़ी यूथ के लिए बड़ा मैसेज है ये सीरीज स्पेशली, कि जो यूथ शो ऑफ करना चाहता है कि दूसरों को देख के दे वॉन्ट टू बिकम लाइक यू नो समबडी एल्स, सो दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ यूथ बेसिकली, या सबकी प्रॉब्लम वही है शो ऑफ करना, जिम में पैसे नहीं है लेकिन हाँ आईफोन दिखाना है। वो आज के समाज की सच्चाई है, सच्चाई जो हमारा जो यूथ है वो कह सकते हैं कि वो एजुकेशन और इन सारी चीज़ों को छोड़ के वो किसी और ही जगह भाग रहे हैं, और वो बहुत गलत दिशा में भाग रहे हैं, तो बेसिकली ये हम खुद मैसेज देना चाहते हैं इस वेब सीरीज के थ्रू कि आपके भविष्य के लिए क्या सही और क्या गलत है वो खुद आप डिसाइड करते हो, सही, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। I'm really glad कि हमें शिव कुमार जी जैसे इंसान मिलेंगे, ये वेरी सज्जन इंसान को, और इस तरह का कंटेंट लाके बेसिकली सी वेब सीरीज हमारी सीरीज में ऐसा कोई कुछ बहुत ऐसे कोई बोल्ड बोल्ड चीज़ें नहीं है, गंदगी नहीं है, बहुत प्यारी कहानी है, देख के मज़ा आएगा, हंसी भी आएगी और सीख भी मिलेगी, और साथ में क्राइम थ्रिलर ड्रामा भी है जो कि देखने में सस्पेंस भी रहेगा कि अब आगे क्या, इसको ऑल एज के लोग देख सकते हैं। हाँ आई थिंक सो, वो तो और फैमिली और फैमिली हमारी मूवी है, हिंदी मूवी और कोई आ रहा है अभी शूट हो रहा है? मेरा हिंदी मूवीज ऑलरेडी लाइनअप में है, कुछ प्रोजेक्ट्स अभी लाइनअप में भी, फ्यूचर फिल्म्स इज देयर, और साउथ में भी जो है ना अभी 3 फिल्म मेरा लाइनअप चल रहा है, अभी एक फिल्म जो है ना और लक्ष्मी राय से जो है ना शूटिंग में भी है फिलहाल, ऑन फ्लोर इज देयर, एंड राइट नाउ आई एम डूइंग इन बंगाली एंड जो है ना अदर लैंग्वेजेस आल्सो, यू आर कवरिंग एंड डायरेक्ट। या तो सर कौन स्टार कास्ट में कोई फिक्स किया है जो आगे नेक्स्ट मूवी है उसमें कौन-कौन मार्केट के, तो स्टार कास्टिंग हिंदी का भी हमने फाइनल नहीं किया है, और जो है ना साउथ का तो चल रहा है, हिंदी का भी जो है ना कुछ अच्छे लेवल में जो है ना हमारा प्रोडक्शन हाउस वी आर प्लानिंग टू एस्टैब्लिश इन हियर ओनली। ओके सर,
in Bombay. We are planning to establish our office and our setup, everything here only. सात की मूवी आपने बनाया, हिंदी भी बनाया, तो इसमें कौन सा ज्यादा अच्छा मतलब लगा कि साथ में अच्छा कभी भी नहीं बोल सकते बिकॉज ऑफ पूरा इंडियन का मूवी इंडस्ट्री अच्छा है बिकॉज ऑफ क्या ना बॉलीवुड ऑलवेज बॉलीवुड और साउथ के जो टॉलीवुड टॉलीवुड बिकॉज ऑफ क्या है ना जो बॉलीवुड का क्या है ना टोटली जो है ना इंडिया वाइड मार्केट है राष्ट्रीय भाषा में रिलीज होता है ना पूरा जो है ना इंडिया वाइड मार्केट इज द बिग स्कोप इज देयर और साउथ के जो है ना रीजनल फिल्म्स होते हैं बट इवन रीजनल फिल्म्स आल्सो बिग समटाइम मोर देन बॉलीवुड आल्सो बिकॉज ऑफ क्या है ना कंटेंट जब आज के डेट में ना कंटेंट इज द किंग छोटा बड़ा फिल्म कोई सीरीज कभी नहीं बोल सकते साउथ की फिल्म में सब सब देखते हैं इसीलिए बोल रहा साउथ के फिल्म काफी जो है ना हम लोग डबिंग में भी बहुत सारे मार्केट का स्कोप है दैट्स व्हाई जो है ना साउथ को भी मार्केट अच्छा है और बॉलीवुड भी अच्छा है लास्टली सर इस वेबसाइट के लिए दर्शकों को कुछ बताइए आप तीनों लोग कहिए क्या बता ऑडियंस को कुछ मैसेज दे दीजिए प्लीज प्लीज हमारी सीरीज देखिएगा और बहुत अच्छी सीरीज आने वाली है बहुत बढ़िया कंटेंट आने वाला है अपने परिवार के साथ बैठकर और जैसे कि सर ने बोला कि कंटेंट इज द किंग दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ आजकल के एंटरटेनमेंट की वही चल रहा है सर कंटेंट इज द किंग एंड डेफिनेटली वी हैव very good content in this the hotel city land mein. So definitely audience ko pasand aane wali hai I'm very sure about it after reading this sure. sab pura global audience dekhiye is web series sirf aap log ke liye bana rahe hamare liye nahi bana rahe aap log ke liye bana rahe aap log dekh ke aapke family mein aapke bacche kis tarike se wrong route pe jate hain usko nahi gaye sir ka jo hai na aap sambhalne ke liye ye content bahut hi useful aayega isliye jo hai na is content ko everyone should watch yes sir that's why definitely thank you abhi please bol dijiye ladki main to please 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 particular ladki ke liye hai जरूर देखिएगा अपने पूरे परिवार के साथ बहुत ही प्यारी सी कहानी है बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है और हम सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए लेकर आ रहे हैं प्लीज देखिएगा थैंक यू सर क्या क्या बोला नहीं शिव कुमार सर ने सुना ये डायलॉग है डायलॉग है इसका पैसे भी दे रहा है सर डिटेल भेजिएगा अकाउंट में चलो नेक्स्ट फिल्म में मेरे साथ में हीरोइन चलो